हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स लाइफ डियर लर्नर्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ थेरेपीज के एंड द पैरामीटर्स दे आर बेस्ड ऑन। दिस इज द सेकंड वीडियो फॉर क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर नंबर 5 थेरेप्यूटिक अप्रोचेस। और आज की क्लास में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं दे आर टाइप ऑफ थेरेपीज, डिफरेंट थेरेपीज क्या होती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। एंड द स्पेशल हाईलाइट ऑफ द वीडियो विल बी द डिफरेंट पैरामीटर्स जिनके बेसिस पर थेरेपीज एक दूसरे से डिफर करती हैं। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी डिले के क्विकली स्टार्ट करते हैं। जितनी भी साइकोथेरेपीज हैं जिनके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे वो सभी ह्यूमन डिस्ट्रेस को रिमूव करने की बात करती है। यानी कोई भी थेरेपी अप्लाई की जाए उसका ऑब्जेक्टिव तो सेम ही होता है कि वो पर्सन के अंदर की जो फंक्शनैलिटी है, अगर कॉग्निटिव एरर है, इमोशनल एरर है, बिहेवियरल इश्यूज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको रिमूव करने की बात करती है। लेकिन फिर भी जो डिफरेंट थेरेपीज होती हैं जैसे कि साइकोडायनामिक थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी और इसके बाद इनके कुछ कॉम्बिनेशन जैसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जिसको आपने सबसे ज़्यादा सुना है, CBT के नाम से आप जानते होंगे, नॉर्मली भी आपने सुना है, तो इस तरीके से थेरेपीज बनती हैं। ये इनके कुछ नेम हो गए, कुछ क्लासिफिकेशन हो गए। लेकिन अगर हम इनके बात करें कि इनके जो सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले साइकोडायनामिक थेरेपी आई, सबसे पहले जो थी वो साइकोडायनामिक थेरेपी ही दी गई थी। उसके बाद आई कॉग्निटिव थेरेपी, उसके बाद बिहेवियरल थेरेपी और उसके बाद में आई है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जिसको थर्ड फोर्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो कॉम्बिनेशन बने जैसे कि हमने CBT की बात करी या डिफरेंट ECT वगैरह भी जो है जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, ये आई है मॉडर्न साइकोलॉजी के एरा में, जिन्हें पुरानी किसी दो डिफरेंट थेरेपीज को कंबाइन करके बनाया गया एज पर द रिक्वायरमेंट एंड द नीड ऑफ देयर क्लाइंट। तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन हुआ। अब हम बात करते हैं पैरामीटर्स के बारे में। सबसे पहले पैरामीटर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, व्हाट इज द कॉज व्हिच हैज लेड टू द प्रॉब्लम। सबसे पहले कोई भी थेरेपी में अप्लाई करें सबसे पहले ये जरूरी होता है कि जो प्रॉब्लम है उसका कॉज क्या है। देखिए जो भी सिचुएशन होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, जैसा कॉज होगा वैसा ही ट्रीटमेंट आगे फॉलो किया जाएगा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कॉज है वो प्रॉब्लम का क्या है। लेकिन ये कॉज को व्यू हर एक अप्रोच में डिफरेंट तरीके से किया जाएगा। जैसे साइकोडायनामिक थेरेपी अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइकोडायनामिक्स जो है वो ह्यूमन के अनकॉन्शियस बिहेवियर को बहुत ज़्यादा फोकस करती है। उनका ये मानना है कि जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो हमारे अनकॉन्शियस की वजह से होती है। हमारे जो अनकॉन्शियस में तीन फोर्सेस होते हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, उनके इंटरैक्शन से हमारी पर्सनालिटी जो है वो वेरी करती है। हर पर्सन में इसके डिफरेंट रेशियो प्रोपोर्शन से ही हर पर्सन की पर्सनालिटी वेरी करती है। तो अगर यहाँ पे इड, ईगो और सुपर ईगो तीनों फोर्सेस का जो आपस में बैलेंस है अगर वो डिसबैलेंस हो जाएगा तो डेफिनेट सी बात है कि पर्सन के बिहेवियर में जो है वो पर्सनैलिटी में हमें डिफेक्ट्स दिखाई देंगे, प्रॉब्लम दिखाई देगी। तो अगर कॉज ये होगा तो जाहिर सी बात है करेक्शन भी इसी में होगा। तो हर एक थेरेपी जो है वो अलग अलग कॉज की बात करती है। अगर कॉग्निटिव थेरेपी की बात करें तो वो पर्सन की फॉल्टी थिंकिंग की बात करती है, जबकि बिहेवियरल अप्रोच जो है वो पर्सन के फॉल्टी बिहेवियर, फॉल्टी लर्निंग पैटर्न की बात करती है। तो डिफरेंट साइकोथेरेपीज में डिफरेंट कॉजेज होते हैं जिनके बेसिस पर हम इस पैरामीटर पर अगर चेक करना चाहें तो ये जो अप्रोच भी हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो अप्रोच कॉज पर ही फोकस्ड होगी। नेक्स्ट पैरामीटर है How did the cause come into existence? आखिर ये cause आया कहाँ से? जो वजह है जो हमने identify कर ली है ये कैसे arise हुई है? तो इस वजह को figure out करने के लिए ये कह सकते हैं इस cause के पीछे की history, background जानने के लिए हमें उस person की deep study करनी पड़ेगी, उसके बारे में detail में जानना पड़ेगा और तभी हम ये जान पाएंगे कि क्यों उसके अंदर जो इतना imbalance है वो है। अगर साइकोडायनामिक अप्रोच की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है डिफरेंट फोर्सेस का आपस में इंटरैक्शन, इड, ईगो, सुपर ईगो का। इसके लिए हो सकता है कि पर्सन के जो कुछ बचपन के जो डिजायर्स हैं, चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, कुछ हॉन्टेड मेमोरीज हो सकती हैं, कुछ वॉयलेंस हो सकता है, कुछ सेक्शुअल एग्रेशन हो सकता है, कुछ भी रिप्रेस्ड मेमोरीज हो सकती हैं जो पर्सन ने बचपन में सफ़र की हैं। बेसिकली साइकोडायनामिक तो चाइल्डहुड की लर्निंग को बहुत इंपॉर्टेंट मानती है। वो ये मानती है कि जो कुछ भी पर्सन चाइल्डहुड में अटेंड करता है वही उसके लाइफ लॉन्ग काम आता है। तो जो कुछ भी पर्सन ने अपने बचपन में जिस तरीके की भी मेमोरीज जनरेट की हैं, क्रिएट की हैं, एक्सपीरियंस की हैं, वो सारे वजह बन सकती हैं, वो सब हिस्ट्री बन सकता है, बैकग्राउंड बन सकता है उस कॉज का जिसकी वजह से पर्सन की पर्सनैलिटी में एरर हो रही है। तो यहाँ पर अगर हम साइकोडायनामिक अप्रोच में देखें तो वो ये कहती है कि दिस इज द रीज़न विच लेट द प्रॉब्लम हैपन। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बिहेवियरल थेरेपी की बात करें तो वो ये कहती है कि पर्सन ने अपने लर्निंग फेज में कुछ चीज़ें गलत लर्न करी हैं, मैलअडेप्टिव उसका बिहेवियर है, सारी प्रॉब्लम बिहेवियर पर फोकस्ड होगी क्योंकि थेरेपी भी बिहेवियरल है।
तो यहाँ पे जो कॉज होगा वो पर्सन के लर्निंग का प्रोसेस होगा, जिसकी वजह से फॉल्टी लर्निंग डेवलप हो गई है और वही अब पर्सन के बिहेवियर में नजर आनी शुरू हो गई है। बिल्कुल इसी तरीके से कॉग्निटिव की अगर हम बात करें तो कॉग्निटिव अप्रोच में ये कंसीडर किया जाता है कि जो पर्सन है उसके सोचने समझने का तरीका, उसको वो एनवायरनमेंट मिला कि उसने उन्हीं चीज़ों को परसीव किया, वही चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, देखा, जिसकी वजह से उसके सोचने का तरीका आज इस तरीके का है। तो डिफरेंट अप्रोचेस में जो कॉज किस तरह से जेनरेट हुआ ये हम इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर है व्हाट इज़ द चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। अगर थेरेपीज डिफरेंट हैं, प्रॉब्लम डिफरेंट तरीके से अराइज हुई है, कॉजेज अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है उनके लिए थेरेपीज भी डिफरेंट ही यूज़ होंगी और उनके जो ट्रीटमेंट है वो भी डिफरेंट होगा। साइकोडायनामिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्री एसोसिएशन, ड्रीम इंटरप्रिटेशन, ड्रीम एनालिसिस जैसे मेथड्स अवेलेबल हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने खुद डिस्कवर किए थे और इनफैक्ट इन्वेंट किए थे, और उनको फॉलो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द साइकोडायनामिक अप्रोच, जिसमें पर्सन के को हिप्नोटाइज करने का प्रोसेस भी फॉलो किया जाता है, उसके ड्रीम्स इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं, उसको अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया जाता है और उससे एनालाइज किया जाता है कि क्या उसके साथ प्रॉब्लम रहेगी और किस तरह से उसको फिगर आउट किया जा सकता है। तो इस तरीके से साइकोडायनामिक में होता है। अगर बिहेवियरल की बात करें तो यहाँ पे पर्सन के मैलएडेप्टिव बिहेवियर को करेक्ट करने के लिए उसको डिफरेंट रीइन्फोर्समेंट दिए जा सकते हैं, डिफरेंट कंडीशनिंग पैटर्न्स फॉलो किए जा सकते हैं जिससे उसके बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करना ही अल्टीमेट जो है वो मेथड होगा, ट्रीटमेंट का तरीका होगा। और बिल्कुल इसी तरीके से कॉग्निटिव लेवल पर पर्सन को वो एनवायरमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा जहाँ से उसकी जो थिंकिंग का पैटर्न है वो चेंज होने लगे, उसकी फॉल्टिंग थिंकिंग जो है वो रैशनलाइज में कन्वर्ट होने लगे, रैशनल ही सोचने लगे पर्सन, और इस तरीके से उसकी थिंकिंग के पैटर्न को, एरर्स को रिमूव किया जा सका है। और इसी के साथ साथ अगर ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की भी बात करें तो यहाँ पर ट्रीटमेंट क्या होगा कि पर्सन को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाए, उसको सिंपथी एम्पथी के साथ ट्रीट किया जाए, उसको पॉजिटिवली ट्रीट किया जाए, यही सब जो है वो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट। उन दोनों के बीच का जो थेरापेटिक रिलेशनशिप है वो किस तरीके का है, उसका नेचर कैसा है। तो देखिए साइकोडायनामिक अप्रोच की अगर पहले बात करें तो यहाँ पे जो थेरेपिस्ट होता है वो अपने क्लाइंट से बहुत क्लोजली कनेक्टेड होता है। बिल्कुल इसी तरीके से कॉग्निटिव और बिहेवियरल में भी होता है, जबकि ये चीज़ ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में नहीं अप्लाई होती। यहाँ पे जो थेरेपिस्ट होता है वो एक फैसिलिटेटर का वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम वापस से थोड़ा सा कॉज की भी बात कर लें ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल के, तो कॉज ये होता है कि पर्सन जो होता है वो अपने सेल्फ पर लो होता है, पर्सन के अंदर कुछ इस तरीके के एरर्स देखने को मिलती हैं, ये कॉजेज होते हैं ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल के, कि पर्सन अपने सेल्फ पर लो होता है, वो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा होता है, वो लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाता है। तो ये सब कुछ सिर्फ मोटिवेशन के थ्रू ही करेक्ट किया जा सकता है, जिसमें मोटिवेशन देने के अलावा जो थेरेपिस्ट होते हैं उनका कोई खास काम नहीं होता, क्योंकि अपने अपने सेल्फ को डेवलप करने में अल्टीमेटली पर्सन का खुद का ही कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है वो भले ही क्लोजली कनेक्टेड नहीं होता लेकिन पॉजिटिव होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ में जुड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं हो सकता जितना डिफरेंट बाकी के डिफरेंट अप्रोचेज में होता है, डिफरेंट थेरेपीज में होता है। तो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल में जो थेरेपिस्ट होता है वो जस्ट एक फैसिलिटेटर की तरह, एक गाइड की तरह से वर्क करता है, लेकिन उसकी गाइडेंस और फैसिलिटेशन का जो पार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पैरामीटर इज व्हाट इज द चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट। जो क्लाइंट है उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है उस थेरेपी से। तो जिस तरह की भी थेरेपी होगी वो उस टाइप का ही ट्रीटमेंट देगी और उसी तरीके का बेनिफिट भी अपने क्लाइंट को दे सकेगी। जैसे कि अगर हम ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल की बात करें पहले, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पर्सन जो है वो पॉजिटिव फील करता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की वजह से, और उसके साथ एम्पैथी का नेचर जो है वो फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से पर्सन बहुत सेल्फ पे अपने हाई होने लगता है। तो उसको अपना सेल्फ जो लो हो गया था वो वापस रिटर्न में पॉजिटिवली मिलने लगता है, ये उसको बेनिफिट होता है। कॉग्निटिव अप्रोच की अगर बात करें तो यहाँ पे जो पर्सन के थिंकिंग का जो पैटर्न होता है वो इम्प्रूव होता है, उसकी सोच एक्सपेंड होती है, अब वो अपनी लाइफ में डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकता है, बहुत सारे जो भी उसके थिंकिंग से उसको बेनिफिट्स अपनी लाइफ में हो सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से, वो सारे उसको बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर बिहेवियरल अप्रोच की बात करें तो बिहेवियरल अप्रोच में पर्सन का जब बिहेवियर इंप्रूव करता है तो वो रिलेशनशिप अच्छे बना पाता है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस अटेंड कर पाता है, उसका फोकस चीज़ों पे बन पाता है, उसको सब पसंद करने लगते हैं, तो उसके बिहेवियर में चेंजेस आने से ये सारे उसको बेनिफिट्स होते हैं। साइकोडायनामिक अप्रोच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पर्सन होता है वो इमोशनल लेवल पर स्ट्रांग हो जाता है, वो अपनी इनसाइट पर बिलीव करने लगता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी डेवलप होती है और कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं। तो क्लाइंट को किस थेरेपी से क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी एक कंसिडर की जाने वाली बात है। लास्ट पैरामीटर है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। ये भी बहुत मैटर करता है कि जो पूरा
ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो कितने टाइम के लिए चला है, तो डिफरेंट अप्रोचेस जो होती हैं, डिफरेंट थेरेपीज भी कह सकते हैं, वो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से चलती हैं। नॉर्मली पहले के टाइम में ये होता था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता था अगर इन थेरेपीज़ को अप्लाई किया जाता था, कभी कभी तो ईयर्स भी लगते थे। साइकोडायनामिक थेरेपी की अगर बात करें तो वो ईयर्स में जाके कंप्लीट हो पाती थी, या ये कहें कि उसका जो आउटकम निकल कर आता था वो उतना स्लो होता था कि प्रोसेस स्लो होने की वजह से उसका आउटकम भी डिले हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, साइकोलॉजी में इतने एडवांसमेंट हो गए हैं, डिफरेंट टूल्स यूज़ हो रहे हैं, उसके हिसाब से अब जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस हो चुके हैं। तो अब सेशंस होते हैं जिनमें जल्दी ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर बिहेवियरल और कॉग्निटिव थेरेपी की बात करें, CBT की अगर बात करें, तो यहाँ पे बहुत जल्दी आउटकम्स निकल कर आते हैं। डिपेंड करता है कि पर्सन की प्रॉब्लम कितनी सीवियर है, तो उसके हिसाब से भी सेशंस बढ़ सकते हैं। बट नॉर्मली 10 to 15 सेशंस आर मोर देन इनफ फॉर एनी क्लाइंट जिसकी प्रॉब्लम इतने सेशंस के अंदर ही रिजॉल्व की जाने की कोशिश की जाती है। तो ये सब कुछ हमने बात की अबाउट द डिफरेंट पैरामीटर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ अप्रोचेस, टाइप ऑफ थेरेपीज, जिसमें किस तरह से कॉज आइडेंटिफाई किया जाता है, किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या रिलेशनशिप होता है क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच का, और इसके अलावा जो बेनिफिट्स होते हैं वो क्या होते हैं क्लाइंट को, किस तरह से ट्रीटमेंट जो है वो कितना लंबा वर्क करता है। तो आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, आई होप पसंद भी जरूर आई होगी। इफ़ यू हैव लाइक इट देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, एंड कीप सपोर्टिंग लाइक यू ऑलवेज डू। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।